फूलों का बगीचे और सामने देवूदा क्या? वाह कितना रोज देखो रोज। दाई देखिए कैसे जल्दी जल्दी काम कर रही है। हाउ नाइमी से बाय बाय हाय हाय। डीप क्लीनिंग चल रहा है नाव में पूरा परफेक्ट है। कितना हार्ड वर्किंग है आप देखिए। रियली अमेजिंग। सब कुछ भी बोलना नहीं पड़ता है कुछ भी। नाओमी के ऊपर भी मैंने एक वीडियो की थी जो शुरू से 10 बजे की 11 बजे घर को एंट्री करती है और सुबह शाम को 7 बजे चली जाती है और 6-7 घंटा क्या क्या कर रही है। और वो लेके आती है टिफिन मैक्सिकन है तो मैक्सिकन फूड वो क्या खा रही है हिंदी भी उसको समझ में आती है। तो वो ब्लॉग आप जाके देख सकते हो और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो मैं क्या बोलूँ उसके बारे में। तो आज मेरा छुट्टी है मैं जाके थोड़ा वीडियो काम ख़त्म हो चुका है। और देखिए नोज के ऊपर भी लगाई थी जो ब्लैक हेड निकालने के लिए और एक अच्छा चारकोल का पैक फेस मास्क लगा के अभी रेस्ट ले रही हूँ और उसके साथ एक अच्छा नेटफ्लिक्स का मूवी एंजॉय कर रही हूँ। फ्री टाइम। कभी कभी खुद को पेम्परिंग अच्छा लगता है और माइंड को रिफ्रेश। उसके बाद नहाने चली जाऊंगी। पूजा करने के बाद आपसे मिलती हूँ और एज यूजुअल ढेर सारा बातें करेंगे फिर कुकिंग करेंगे फिर जो डेली मेरा लाइफ है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। चलिए बने रहिए शुरू से लेके एंड तक देखना मत भूलिए। ये देखिए ये मिक्स वेजिटेबल है और छोटा छोटा चिकन पीसेस है और ये दो स्ट्रॉबेरी कल मैं लेके आई थी आज ये लंच है का। तो सुबह से तो आपने देखा मैंने पूरा आराम कर रही थी। नाओमी काम करके गई और काम करके नहीं गई काम कर रही है और मैंने आराम से मुंह में पैक लगा के बैठी थी और अभी लंच करके देवाशीष को देने के बाद मैं वॉक जाऊंगी। सिंपल सा है कुछ भी नहीं। ये हो गया है थोड़ा उसके साथ ऑलिव ऑयल और थोड़ा नमक दे दूंगी बस निकाल दूंगी। ये देखिए देवाशीष का लंच। ये वेजिटेबल पूरा रेडी हो चुका है कुछ भी नहीं। चिकन क्यूब ये सब चिकन छोटा छोटा क्यूब और ये वेजिटेबल है। वेजिटेबल में बीन्स और गाजर रेड पेपर येलो पेपर और ऑनियन है और दो स्ट्रॉबेरी जो मैं लेके आई थी और उसके ऊपर यही ड्राई फ्रूट्स है जो मैं दे दिया बस यही है उनके लंच। तो कितना इजी और हेल्दी है ये डाइट देखिए। ये मेरे घर का बहुत ही पास और कॉलेज बाउंड्री के अंदर है। अभी भी मैं ऑलरेडी 5 किलोमीटर चल चुकी हूँ। अच्छा लगता है यहाँ
से ये सब इतना बिना डर के कुछ कोई भी उनको कुछ भी हार्म नहीं कर पाएगा। ऐसे ही घूमते रहते हैं ये सब डॉग और बच्चे। ये पॉन्ड के अंदर बहुत टर्टल्स भी हैं, बहुत बड़े बड़े। मैंने आधे घंटा एक घंटा पूरा बैठ गई थी फेस में पैक देके। आज थोड़ा बहुत दिनों के बाद मुझे अच्छा लगा, डीप क्लीनिंग हो गई मेरा घर का। और चलिए मैं क्या लंच बनाई और आपको दिखाऊंगी। और लंच के बाद मैं इवनिंग वॉक में चली आई। ये तो मैंडेटरी जैसा बन चुका है मेरे लाइफ में, नहीं तो पूरा वेट तो पुट ऑन हो रहा है। ये एक मेजर चिंता की विषय है। और दोनों बिजी रहने से मैं पूरा बिल्कुल अकेला हो जाती हूँ। तो चलिए अब ब्लॉग को एंजॉय कीजिए और शुरू से लेके एंड तक देखिए। लाइक करना मत भूलिए। अभी भी इतना सन है, पूरा बिल्कुल टैन हो गया मेरा मुँह। और जो नए व्यूअर आते हैं और सब्सक्राइब बटन को दबाना भूल जाते हैं तो प्लीज़ आप उसको दबा दीजिए और साइड में जो बेल है उसको हिट कर दीजिए। तो मैं वॉक करके घर पहुंच जाती हूँ, फिर बातें करती हूँ। और आज मैं जो कुकिंग किया वो मैं ब्लॉग में डाल दूँगी, आप देखिए। मोटर खराब हो गया था, हम हर दिन आते थे देवाशीसर में। हम लोग हर दिन सोचते थे जो मोटर क्यों बंद है, तो आज देख रही हूँ मोटर चलता है। और ये कॉलेज बाउंड है। आप सोचिए कॉलेज का एटमॉस्फेयर अगर इतना सुंदर होगा। कम्युनिटी के पीछे बहुत बार मैं यहाँ आके ब्लॉग में डाल चुकी हूँ बहुत सारे, उसका जिम्नाजियम और आर्ट गैलरी और कोई चीज़ यहाँ सुंदर है। देवासी से पीछे वॉकिंग कर रही थी, आज बहुत ज़्यादा नहीं वॉक कर पाई। देवासी का कुछ काम था और कुछ रिटर्न करने वाले थे और उनका तो गार्डनिंग का नीचा लगा हुआ है, तो होम डिपो भी जाना है और हम लोग दोनों आगे कॉस्को। कॉस्को से मेरा जो फैट फ्री मिल्क लेना है। तो मेरे पीछे है कॉस्को। तो अभी 7:45 और वॉक ओनली 4.5 माइल, मतलब 6.5-7 किलोमीटर। तो चलिए कॉस्को से निकल के घर पहुंचने से आज ज़रूर 9 बज जाएगा, क्योंकि अभी तो 7:40। देवेशीष आ जाओ।